वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है आयत की क्यूट फैमिली। और जैसे कि आप देख सकते हो मेरी बाबू अभी जस्ट सो के ही उठी है आए। अच्छा ठीक, जैसा ये देखो मेरा पीता चो के उठा है, बता दो। हाँ बेटा, जैसे देख सकते हो सो के उठी है अभी। हमारी मम्मी है मतलब 6-7 दिन से आई नहीं है, तो मैं सोच रही हूँ के कैसे बुलाऊं, या तो नहीं तो फिर मुझे अपनी बेटी भेजनी पड़ेगी, क्योंकि घर में जो है पूरे घर की परी यही है, पूरे घर में परी है। परी परी चुना पली हो, तुम पली हो, चुना क्यों पली, हाँ चुना पली मतलब बेटा। हाँ देख सकते हो कैसे कर रही है, चुना की परी है ना बाबू, चुना हमारी पली है। बातें करो बातें करो, बोलो मम्मा, मम्मा बोल दो, मम्मा बोल दो, सुनो सुनो मम्मा बोलो पहले, मम्मा बोलो पहले। नहीं नहीं इधर देखो, इधर सो ना, इधर देखो, इधर इधर बोलो मम्मा, बोलो मम्मा बोलो पहले, मम्मा बोलो। अभी मेरी मियाँ ने मास्क पहन लिया, आप देख सकते हो, आप देख रहे हो उसके पीछे पीछे भागी गई। अभी उसके पीछे पीछे भाग गई। आज सोच रही हूँ मैं खाने में आज क्या बनाऊँ, हमारी तो यही टेंशन है आज खाने में क्या बनेगा, क्या बनेगा क्या। हाँ याद आ गया, आज मुझे पापा की बहुत ज़्यादा याद आ रही है, बहुत बहुत ज़्यादा। तो मैं सोच रही हूँ अपने पापा का फेवरेट कुछ बनाऊँ। मेरे पापा का फेवरेट क्या है, 2 से 3 रेसिपी है, मुझे भी नहीं मम्मी से पूछूँगी फिर आपके साथ शेयर करूँगी। जो सबसे ज़्यादा मेरे पापा को पसंद है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और क्या और क्या। चलो चलते हैं, पहले तो मैं अपनी मम्मा से बात करूँगी, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी आज जो है मेरे पापा की रेसिपी में, ओ मतलब मेरे पापा का जो फेवरेट है क्या है। चलो चलते हैं, देख सकते हो आप मैंने इसका ये बना लिया है आटा गूंद के, जल्दी से चलते हैं किचन के अंदर। आ जाओ किचन चलते हैं, मैं आ गई हूँ किचन के अंदर। फिलहाल थोड़ा मेरा किचन गंदा है, अभी साफ करना पड़ेगा। 2 मिनट तक तेल गर्म हो रहा है, तब तक हमने ये दो वो पूड़ियाँ हैं मैंने सेक ली हैं और चिपक गई हैं साथ में, अलग हटाओ इन्हें, हट गई अलग। अभी तेल गर्म हो चुका है, एक बार चेक करके देखो तेल गर्म हुआ नहीं, देख सकते हो मैंने तेल डाल वो पूड़ियाँ डाल दी हैं। अब जो है ये सीक रही हैं और अभी फिलहाल तेल इतना गर्म नहीं हुआ, लेकिन फिर भी ठीक है सेकने के लिए। और आप देख सकते हो ये कलर अभी नहीं आया, इसका कलर वाइट ही है इसका कलर। जब तक ये सीखती हैं तब तक हम और ये तेल आ गया और बेलना पड़ेगा। ये पूड़ी इस तरीके से फूल जाएंगी सारी, और ये उठाएंगे यहाँ रख देंगे हम। जैसे ये सारी सीख गई, ये सब बहुत टेढ़ी मेढ़ी बनी है मेरी, बड़ी मुश्किल से मैंने आपके लिए गोल बनाई है ताकि ये दिख जाए। ओह मैं बहुत थक गई हूँ, फ्रेम एकदम ज़्यादा ही है हाई फाई, और ये चल रहा है अभी से सेकेंगे। आप देख सकते हो इस तरीके से सेकते जाएंगे और यहाँ रखते जाएंगे। अब क्या हो रहा है ये सब, याद है तो पूरी तो मेरी ऐसी हो जाती है गाइस, क्या करूँ मैं, मुझे तो समझ ही नहीं आता, टेढ़ी मेढ़ी हो गई। ये देखो आप ये देख सकते हो, बड़ी मुश्किल से एक तो ट्राई करती हूँ और ऊपर से सही से बनती भी नहीं है, गुस्सा आ रहा था, है ना बाबू। देख सकते हो ये यहाँ रख देंगे अब हम, चलते हैं और भी ये जो बचे हुए हैं कुछ, ये सब जो है मुझे ट्राई जल्दी जल्दी बनाने हैं, नहीं तो फिर ये खाली हो जाएगी कढ़ाई हमारी, तो तक हम और बना लेते हैं। ये उबले हुए आलू हैं, ये हरी मिर्च और प्याज है साथ में कटी हुई, और ये धनिया है बारीक कटा हुआ, एक टमाटर है, और आप देख सकते हो उसी मतलब उसी के अंदर काट लिया था जिसके अंदर पूड़ी बेल रही थी। अब इसके अंदर हम डाल देंगे जीरा, इसके अंदर डालने जा रहे हैं जीरा, ये गया है जीरा, तो जीरा काला हो चुका है। अब हम इसके अंदर डालेंगे प्याज कटी हुई, प्याज और हरी मिर्च कटी हुई, जब तक ये लाल नहीं होती तब तक हम इसे ऐसे मतलब थोड़ी देर तक फ्राई करेंगे हम। तो हल्का हल्का ये लाल हो चुका है, अब हम डालेंगे इसके अंदर टमाटर, ये एक टमाटर है, इसे भी हम काफ़ी देर तक फ्राई करेंगे, उसके बाद भूनेंगे। टमाटर ये अच्छी तरीके से भुन चुके हैं, और ये जो आलू है फूट फूट के इसके अंदर ऐसे डालते जाएंगे हम ऐसे करके एक, और ये बहुत सारे आलू हैं जो हम ऐसे फोड़ फोड़ के हम जो है इसके अंदर डालते जाएंगे। तो ये बहुत सारे आलू जो है मेरी मैंने फोड़ दिए और मेरे जानू जी ने, अब जो है इसके अंदर ऐसे मिलाएंगे ना काफ़ी देर तक थोड़ा सा, ये अच्छी तरीके से हम इसको मिक्स कर लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं। अंदर डालेंगे लाल मिर्च, ये गई हमारी
लाल मिर्च है और साथ में डालेंगे हम इसके अंदर हल्दी, क्योंकि हल्दी से जो कलर आता है येलो येलो मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि हमारे पापा जो थे येलो कलर नहीं खाते थे, इसलिए अब इसके अंदर डाल देंगे हम धनिया। ये सारा गया हमारे अंदर धनिया, वाओ। इससे क्या है कि हमारे जब खाना बनता है तो लोग इसलिए डालते हैं ताकि खुशबू फैले, उससे जो खुशबू फैलती है वो हम जिसको भूख नहीं भी लगती है उसको भी भूख लगाती है। ये है हमारी हरी हरी धनिया। अब हम इसको करेंगे अच्छी तरीके से मिक्स। जैसे देख सकते हो आप ये अच्छी तरीके से मिक्स हो रहे हैं, तब तक हम कुछ और करेंगे। स्वाद अनुसार नमक जितना आपको पसंद है, मीडियम हो, किसी का बहुत कम पसंद है या किसी को एकदम बराबर पसंद है। मुझे तो एकदम बराबर पसंद है, ना कम ना वो ना एकदम ना, मतलब क्या बोलूँ मैं आपको, मीडियम, ना कम ना ज़्यादा। हाँ ओके, बोलना भी नहीं आता ना ज़्यादा, हमारे जान कह रहे हैं बोलना नहीं आता। और जैसे कि आप देख सकते हो ये भी अच्छी तरीके से मिक्स होगा। क्या है ये? कुछ नहीं, मुझे लगा कुछ है। सो इसे और अच्छी तरीके से कम 2-3 सेकंड के लिए हम इसको ऐसे ही मिक्स कर लेंगे, ताकि जो इसका नमक है जो भी है सब इसके अंदर पहुंच जाएगा। 5-10 मिनट तक ऐसे ही फ्राई करते रहेंगे। देख सकते हो इसे काफी इधर से उधर घुमाने के बाद अच्छी तरीके से पक चुका है। अब जो है हम इसके अंदर डाल देंगे ताकि कढ़ाई जो है हमारी खाली हो जाए। देख सकते हो आप मेरा ऑलमोस्ट सब चीज़ रेडी हो चुका है। आप देख सकते हो ये पूरी है मेरी और ये आलू हैं और ये मैं जा रही हूँ खाना खाने। अब आइए हमारे साथ बिस्मिल्लाह पढ़िए गाइस। ओ सॉरी गाइस। अच्छा लग रहा, अच्छा लग रहा। वैसे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे पता है इसे मिर्ची लग गई तुरंत ही इतनी देर में। मैं खाना खाने के बाद ही मिलूंगी हमेशा की तरह, पहले खा लूँ उसके बाद मिलती हूँ आपसे। मैंने जो है खाना पीना खा लिया है, आप देख सकते हो। अब हम जा रहे हैं अब सोने के लिए। और मैं आपको बता दूँ कि ये सब जो था मेरे पापा का बहुत 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 ज़्यादा फेवरेट था, क्योंकि जब हमारे पापा सर्दी के टाइम पे बनवाते थे मम्मी से, तो वही चीज़ मुझे याद आ गया। तो मैंने सोचा लाओ, 2-4 दिन से ना पापा की कमी महसूस हो रही थी, तो मैंने सोचा लाओ मैं बना ही लेती हूँ, क्योंकि कभी कभी बहुत याद आती है, क्योंकि पापा अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ और फिर पापा अचानक से गए, थोड़ी तकलीफ़ हो जाती है। और क्या बोलूँ मैं, थोड़ी सी कभी कभी शर्म भी आने लगती है। और फिर मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा टेंशन ले रही है, बहुत बहुत ज़्यादा खांसी आ गई। और मेरी मम्मी जब बहुत ज़्यादा टेंशन लेने लगे, मेरी मम्मी याद कर रही हूँ जैसा लगा ये सर गया तुरंत ही। और अभी जो है फिलहाल आप घर पे भी ट्राई कर सकते हो, बहुत ईजी है। पहले तो आप पूड़ियाँ बना लो, जिसमें आप कढ़ाई में सेक रहे हो आलू वालू उबाल के, जैसे मैंने आपको बताया रेसिपी में, सेम वैसे ही कर लेना आप, क्योंकि बहुत सच में बहुत टेस्टी होता है। पता नहीं मेरे गले में गुदगुदी टाइप का हो रहा है। सो गाइस, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो क्या करना है, अगर मेरी वीडियो आज की अच्छी लगी तो मेरे चैनल को ना लाइक सब्सक्राइब करना, उसमें जो कमेंट बॉक्स में जरूर था आज की जो हमारी वीडियो को कैसी लगी। और सो अब मैं क्या बोलने जा रही थी। हाँ सो गाइस, अब मैं चलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो की तैयारी करने के लिए। तैयारी नहीं, मैंने ऑलमोस्ट पहले से एक बना कर रख ली है, उसे मैं एडिटिंग वगैरह करूँगी, फिर देखती हूँ क्या होता है। सो गाइस सपोर्ट करो गाइस बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे भी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा बहुत बहुत ज़रूरत है। आप समझ सकते हो मैं क्यों इतना बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे सच में नीड है इसलिए। सो गाइस थैंक यू सो मच गाइस, अगर थैंक यू सो मच गाइस। चलो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।